नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल को और वेंट एम्बल न्यूज में। पुरानी पेंशन योजना की फिर से बहाली को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान से लाखों सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल। दोस्तों, आज 10 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों सरकारी कर्मचारी इकट्ठा हुए। कर्मचारियों की पहले से ये पूरी तैयारी थी कि 10 अगस्त 2023 को दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और केंद्र सरकार पर हर संभव दबाव बनाया जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के बदले ओपीएस को फिर से बहाल किया जाए। तो इसी के बीच एक बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है कि आज देश भर के सभी कोनों से लाखों कर्मचारी दिल्ली में एकत्रित हुए और कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने यह ऐलान भी किया कि जो राजनीतिक पार्टी सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखेगी और उनके लिए एनपीएस के बदले ओपीएस को बहाल करेगी, उनको ही सरकारी कर्मचारी अपना वोट देंगे। जैसे कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और हर एक राजनीतिक पार्टी सत्ता में आना चाहती है और सभी पार्टियां कर्मचारियों को खुश करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। तो इसी बीच कर्मचारियों ने भी ये साफ कर दिया है कि जो राजनीतिक पार्टी उनके हितों का ध्यान रखेगी उनको ही सरकारी कर्मचारियों के द्वारा वोट दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दिल्ली के रामलीला मैदान से जो झलकियां यहां पर निकल कर आ रही हैं, कर्मचारी कितनी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं वो आप खुद भी देख सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जुड़े रहें हमारे चैनल से ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।